अस्सलाम वालेकुम प्यारे जमींदार भरावो, मैं वहां आदिल वड़ैश। तो अज की वीडियो उन्हें तमाम जमींदारों वास्ते बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो कि अमरूद का बाग लाना चाहते हैं, प्लस वो भी जमींदार जिहड़ा ऑलरेडी अमरूद का बाग ला चुके ने ते अपनी पैदावार वधाना चाहते हैं। अज की इस वीडियो में मैं तुहानूं अमरूद के बाग के बारे मुकम्मल मालूमात देंदा, मसलन किस तरह की जमीन अमरूद के बाग वास्ते ज़्यादा मौजू है, जमीन की तैयारी किस तरह करनी है, किहड़े मौसम ये पौधे लाए जा सकते हैं, ये पौधे कितों लेने चाहिए ने, कितनी उम्र के लेने चाहिए ने, उन्हां दा कितना साइज होना चाहिए। तो उस तो बाद मैं तुहानूं दसांगा कि बाग लाने तो बाद जिहड़े मौसमी असरात ने, मतलब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, उन्हां तों असां बाग का किवें बचाओ करना है। तो दोस्तों अगे वधन तो पहला जी हाली तक तुसा मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहला उन्होंने सबसक्राइब कर लो। मेरे चैनल का नाँ है गन स्मोक 786, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ तुहाडे तक बासानी अपड़दियां रहन। शुक्रिया दोस्तों। अमरूद का बाग लाने वास्ते जिहड़ा सब तो पहला साडे ज़ेहन दे विच सवाल आउंदा है कि किस तरह की जमीन अमरूद वास्ते ज़्यादा मौजू है, तो इहदा जवाब बड़ा सीधा जिहा है कि जिहड़ी मिठी जमीन है, कलर ते शोर तो पाक होवे, पानी दी फरामी नहरी पानी भी वक्तन फोक्तन दस्तियाब होवे, प्लस तुहाडे कोल स्टैंड बाय दे तौर ते ट्यूबवैल दा भी इंतजाम होना चाहिए। मतलब मिठियां जमीनां जिहड़ियां ने वह अमरूद वास्ते इंतहाई मौजू ने। दूसरा सवाल जिहड़ा असी अमरूद दा बाग लाण लगे हां, असी साडे ज़ेहन च आउंदा है कि असी जमीन की तैयारी किस तरह करिए, तो उसका जवाब ये वे कि तकरीबन बाग लाने तो तकरीबन एक हफ्ता पहला तो नहरी पानी नाल सारी जमीन नू प्याणा, ताकि जमीन ठंडी हो जाए और उसके अंदर वत्तर मौजूद हो। उस तो बाद सवाल ये साढ़े सामने आता है कि असा एक एकड़ दे विच किन्ने पौधे लाने ने, तो ये काफ़ी एक वड्डी बहस है। कुछ लोग तो 250 यानी कि 250 पौधे फी एकड़ का भी गल करते हैं, लेकिन मेरी नज़र इन्ने ज़्यादा पौधे लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिहड़ी जमीन दे विच इन्ने ज़्यादा पौद्यां तो बाद हल नहीं वग सकता, जमीन वग नहीं सकती, कोई काश्त नहीं हो सकती, तो उसका कोई फायदा नहीं। इस सूरत दे विच जे तुसीं इन्ने ज़्यादा पौधे लाते हो तो खाद का प्लस स्प्रे प्लस पानी वो तुहानूं एक इजाफी जिहड़ी है वो पैसे भरने पैण दे। तो मैं तुहाडे सामने बाग है जी, ये तकरीबन 140-140 बूटा फी एकड़ लाया है, यानी कि 7 कदम इधर तो 7 कदम इधर, इस पास भी 7 कदम का फासला है, इस पास भी 7 कदम का फासला है, इस तरह करके 144 या 140 बूटे जिहड़े ने उपर एकड़ मैं लाए सन अज तो 3.5 साल पहला, यानी कि नवंबर 2016 के सामने माशाल्लाह बाग मेरा तैयार है जी। 3.5 साल इहदा अमरूद का घर शरकपुर नूं आख्या जांदा है, तो मेरा मशवरा तुहानूं वी इह वे कि शरकपुर शरीफ अगर तुहाडा कोई यार दोस्त अच्छा सज्जन है वे, जे नहीं तो तुसीं आप उत्थे जाओ, मुख्तलिफ नर्सरियां विजिट करो, उस तो बाद पौधे अपनी पसंद दे, मतलब 2.5 फुट तो लैके 3 फुट तो ज़्यादा कोई भी तुहाडे कोल पौधा नहीं होना चाहिए। इन तकरीबन 125 या 150 पौधा ऐसा लाया जिहड़ा बतौर नागा लाया सी, यानी कि पहले पौधे मेरे मर गए सन, उन्हां नूं पूरा करन वास्ते मैं दोबारा पौधे लाए ने, तो मैं इस नतीजे ते पहुंचिया कि जिहड़े छोटे पौधे सन यानी कि 2.5 फुट तिकर वो तो बड़ी आसानी नाल चल गए ने, जबकि 3 फुट तो ज़्यादा जिन्हें भी मैं पौधे लाए सन उन्हां चों कोई। अगे साढ़े अगे सवाल आ जाता है कि असी बाग लाण तो बाद जिहड़े छोटे पौधे ने, नौजायदा पौधे ने, उन्हूं असी मौसमी असरात यानी कि ज़्यादा गर्मी तो ज़्यादा सर्दी तो किवें बचा सकते हैं। ज़्यादा गर्मी का तो यही हाल है कि वक्तन फोक्तन तुसी महीने च कम अज़ कम एक बारी या दो बारी कम अज़ कम उन्हूं नहरी पानी नाल पियाओ, जे नहरी पानी तुहाडे कोल दस्तियाब नहीं तो फिर बोर चला के उन्हूं जरूर छोटे पौद्या नू एक महीने दे विच कम अज़ कम दो बारी जरूर पियाना चाहिए पानी नाल। हाँ, उस तो बाद साढ़े कोल सवाल आउंदा कि सख्त सर्दी विच असी की करिए, तो सख्त सर्दी दे विच कुछ जिहड़े जमींदार ने मैं ये वेख्या तजर्बा भी किया अपने इर्द गिर्द के उन्हां छोटे पौद्या नू बचाउण वास्ते उन्हां उत्ते
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛਾਪੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਛੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਦਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਆਖੀਦਾ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਟੀ ਸੁਰਾਈ ਜੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰਾਈ ਜੇ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਗੋਲਾ ਜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।